तो दिल्ली उपरांत उत्तर भारत ना सात राज्यों में पूर की तबाही। 24 कलाक में 44 लोगों ना थया मौत। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड सहित राज्यों में एनडीआरएफ की 29 टीमों तैनात। 8 राज्यों में वरसाद अने पूरनो प्रकोप। एनडीआरएफ की 39 टीमों राहत अने बचाव में कार्यरत। एनडीआरएफ की पंजाब में 14 अने हिमाचल में 12 टीम तैनात। उत्तराखंड में 8 अने हरियाणा में 5 टीम तैनात करें। हिमाचल, पंजाब अने जम्मू काश्मीर में तबाही। हरियाणा, राजस्थान अने दिल्ली में पण भारे वरसाद। उत्तर भारत की मोटा भागनी नदियों बे कांठे वही रही है। हिमाचल, उत्तराखंड में अनेक स्थलों पर भूस्खलन। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे सहित 100 सड़क बंद। जम्मू काश्मीर में 900 रोड रस्ता बंद कराया। हिमाचल प्रदेश में 4000 करोड़ नुकसान नो अंदाज। पंजाब में पूर प्रकोप ने कारण 50 गाम खाली करावामां आव्या। हिमाचल प्रदेश में वरसाद थी हाहाकार। भारे वरसाद ने कारण थी अत्यार सुधी हिमाचल में 59 लोगों थया मौत। अत्यार सुधी 4000 करोड़ थी पण वधुनु थयुं नुकसान। हिमाचल प्रदेश में वधु बे स्थले वादळ फाट्या। कुल्लू, मनाली और मंडी में हजारों लोगों फसायेला है। आज पण कुल्लू, सोलान और शिमला में रेड एलर्ट। हिमाचल में आज पण भारे वरसाद की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश मोटाभागना जिल्ला में वीजड़ी, फोन, इंटरनेट ठप थयुं। कुल्लू में वादळ फाटता 100 वीघा जमीन घसी गई। त्यारे मनाली में अनेक वाहनों पूरना पानी में वही गया। बियास और पार्वती नदी ना संगम स्थले उछड़ता मोजा थी नदी वधु रौद्र बनी। हरियाणा ना अंबालाना स्कूल ना बिल्डिंग में फसाई गई 730 जेटली विद्यार्थिनीओनुं रेस्क्यू ऑपरेशन करवामां आव्युं। एनडीआरएफ अने पोलीसे संयुक्त ऑपरेशन करी रेस्क्यू करी दोरडानी मददथी विद्यार्थिनीओने बचावी लीधी। हरियाणा में रेकॉर्ड ब्रेक वरसाद थी ताराजी। सतत 3 दिवस थी हरियाणा में भारे वरसाद। 6 जिल्लाना 600 थी पण वधु गामों में वरसादी पाणी भराया। करनाल में पूर ने कारण थी रस्ता धोवाई गया। अनेक गामों मोटा केन्द्रों साथ संपर्क पण कपायो। तो दिल्ली में यमुना नदी 206.4 mm की भयजनक सपाटीए वहता ऑरेंज एलर्ट आपी देवामां आव्युं। यमुना ब्रिज पर रेलवे की अवर जवर पण बंद कराई। उत्तर भारत में वरसाद थी यमुना नदी में पूर। दिल्ली में यमुना जलस्तर 206 मीटर थी ऊपर। खतरा निशान थी ऊपर वहती यमुना नदी। राजधानी दिल्ली में 2 दिवस थी भारे वरसाद। अनेक नीचाणवाला विस्तारों में भराया पानी। प्राथमिक शालाओ पण बंद कराई। पंजाब में वरसाद बाद पूरनी परिस्थिति। आज पण वरसाद ने लईने ऑरेंज एलर्ट। सतलज नदी पाणीए कहर वर्ताव्यो। पूरना कारणे 50 थी वधु गाम खाली करवामां आव्या। स्थलांतरित हजारों लोग गुरुद्वाराना शरणे। एनडीआरएफ की 14 राहत और बचाव कार्य में जोड़ाई। चंडीगढ़ में 3 दिवस में 18 इंच वरसाद खाबक्यो। मोहाली और पटियाला में सेना ने तैनात करवामां आवी। पंजाब में 17 जेटली ट्रेन ने रद्द करवामां आवी। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे ने पण बंद करवामां आव्यो। उत्तराखंड में वरसाद ने लईने रेड एलर्ट। 6 शहरों में वरसाद ऑरेंज एलर्ट आपवामां आव्यो। देहरादून, पौड़ी और टिहरी में पण वरसाद एलर्ट आपवामां आव्यो। बागेश्वर और नैनीताल में पण वरसाद एलर्ट। उत्तराखंड में आगामी 2 दिवस वरसाद ने लईने चेतवनी जाहिर। हरिद्वार, नैनीताल अने साथे ज अनेक विस्तारों लोगों ने सावधान रहेवा माटे चेतवनी आपवामां आवी। हरिद्वार में बाणगंगा खतराना निशान थी पण ऊपर। नैनीताल में कोसी नदी खतराना निशान थी ऊपर वही रही है। त्यारे नदियों जलस्तर वधता लोगों ने सावध रहेवा माटे अपाई सूचना। तो उत्तराखंड में कुदरते रौद्र स्वरूप धारण कर्यु। भारे वरसाद कारण थी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन थयु। त्यारे ट्रावेल टेम्पो पर पत्थरो पड़ता 4 लोगों मौत थया। इजाग्रस्तों ने बचावा माटे रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरायु। राज्य में मेघराजा की मेहर यथावत। छेला 24 कलाक में 193 तालुकाओं में वरसाद। ईडर में सौथी वधु 6 इंच तो तलोद और मोड़सा में 5.5 इंच वरसाद। राज्य में आज थी वरसाद जोर घटशे। केटलाक जिल्लाओं में भारे वरसाद पड़ी शके छे। बनासकांठा, पाटण, अरवली में पण भारे वरसाद रहेशे। मेहसाणा, साबरकांठा में पण भारे वरसाद।
उत्तर गुजरात में पवन साथ अति भारे वरसाद रहेवानी शक्यताओ। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारे वरसाद रहेशे। अमदावाद, गांधीनगर, खेड़ा में सामान्य वरसाद की कराई आगाही।